नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मोरेटोरियम अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप लोग को बता दूँ, काफ़ी सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है कि कोविड-19 ख़त्म नहीं हो रहा है, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, कंपनी ऑफिस सब कुछ बंद है, हम लोग EMI कहाँ से पैड करेंगे जून वाले मंथ से। यहाँ पर दोस्तों फाइनली एक अपडेट आ गया है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मोरेटोरियम का डेट था दोस्तों, अब जो है और इंक्रीज होगा। दोस्तों यहाँ पे इनके तरफ से दोस्तों ये अपडेट जारी हो चुका है। अब दोस्तों ओनली जो है RBI की तरफ से जैसे अनाउंसमेंट होगा ये नियम लागू हो जाएगा, बट इसमें एक टाइम लगेगा, एक समय लगेगा, क्योंकि अभी ये मई वाला मंथ जो है बीतने से पहले पहले आप लोग को अच्छी खबर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग इंतजार कर रहे थे कोर्ट के सुनवाई के ऊपर, और भी ऐसे सवाल थे। तो यहाँ पे दोस्तों कोर्ट ने भी ये बातें क्लियर कर दिया है, और उन्होंने ये बातें कहा भी था कि इसमें जो है कस्टमर को कैसे मोरेटोरियम मिलेगा, क्या और डेट इंक्रीज होगा, ये बातें RBI को जारी किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बहुत जल्दी जो है आप लोग के पास ये न्यूज मिल जाएगा कि मोरेटोरियम डेट इंक्रीज और हो चुका है। दोस्तों न मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये आ चुका है कि जब लॉकडाउन बढ़ रहा है, कोविड-19 ख़त्म नहीं रहा हो रहा है, ऑफिस सब कुछ बंद है, पैसे आने का कहीं से उम्मीद नहीं है, तो लोग कितना ECS बाउंसिंग चार्ज भरेंगे। तो आप लोग बेनिश्चिंत होकर रहिए, क्योंकि अब आप लोग को अच्छी खबर बहुत जल्दी मिल जाएगी। ओनली अनाउंसमेंट करना बाकी है, अपडेट आ चुका है पूरी तरीके से ओनली RBI की तरफ से। जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले अपने वीडियो के माध्यम से। और आप लोग का पैसा अगर बाकी है, अगर आपने लोन किसी भी कंपनी किसी भी बैंक से लिया है, अगर आप पे नहीं कर सकते हो, तो आप लोग बिल्कुल मत डरना। अगर आप लोग का EMI या ECS बाउंस चार्ज होता है तो आप लोग बेनिश्चिंत होकर रहना। अगर कोई भी कंपनी आपका कॉल करती है, बोलती है मेरा EMI पैड करो, तो एक ही बात कहना, जब लॉकडाउन है और सब कुछ बंद है, ऑफिस कुछ बंद है, कहीं से भी पैसे आने का इनकम नहीं है, तो हम पैसा कहां से पे करेंगे। आप लोग डरना मत, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब अपने देश का गवर्नमेंट और कानून ने ही सब कुछ बंद रखा है, तो EMI पैड कहां से कोई करेगा। क्या ये बात कोर्ट नहीं जानता है? क्या ये बात PM मोदी नहीं जानते हैं? क्या ये बात RBI नहीं जानता है? क्या ये बात कंपनी नहीं जानती है? सभी लोग जानते हैं, ओनली जान के भी लोग अनदेखा करते हैं। तो आप लोग भी इन सब बातों का टेंशन मत लेना, आपके पास जो भी पैसे हैं खाओ पियो, हैप्पी रहो और अपने परिवार को खुश रखो, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आप कल भी आराम से EMI पैड कर सकते हो। अगर आपकी ज़िंदगी नहीं रहेगी तो आप EMI कहाँ से पैड करोगे। सबसे पहले अपने आप को बचाओ, अपने घर अपने फैमिली की सुरक्षा करो, इसके बाद ही आप लोन पे करने के बारे में सोचना। आप कंपनी का लोन इतने वक्त इतने टाइम से पे करते चले आ रहे हो, कभी आपने EMI मिसमैच नहीं किया। आज दुख के घड़ी में अगर पैसे नहीं है तो क्या कंपनी आपकी जान मार डालेगी? नहीं मार डालेगी, क्योंकि कंपनी सभी लोग जानते हैं कि जब सब कुछ बंद है तो पैसे आएगा कहाँ से। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग डर रहे हैं कि मेरा सिविल स्कोर ख़राब होगा, सबसे बड़ा अपना जीवन है, ज़िंदगी है। अगर आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आप सिविल स्कोर बाद में भी कंप्लेन करके सही करवा सकते हो। अगर आपकी जिंदगी नहीं रहेगी, अगर आप टेंशन लेके परेशान रहोगे, तो सिविल स्कोर किस काम का। तो पहले अपने आप को बचाइए, लाइफ रहेगी तो बहुत से आप लोन ले पाओगे और बहुत से सिविल स्कोर सही कर पाओगे। तो मेरे भाई लोग, कोई भी ना डरे, कोई भी टेंशन ना ले, क्योंकि हमारा भी लोन चल रहा है, मैं भी लोन नहीं पे कर पाऊंगा, पैसे नहीं आ रहे, कहां से पे करेंगे, हमारी कंपनी ही बंद है, हम जहां पर जॉब करते हैं वो भी बंद है, तो पैसे आने कोई इनकम ही नहीं है, तो कहां से पे करेंगे। जो होगा देखा जाएगा, हम इस बात का लेकर टेंशन नहीं चलते हैं, क्योंकि जब अपने देश का कानून ही सब चीज को बंद किया है तो हम पैसा कहां से पे करेंगे। कंपनी कोई फांसी नहीं चढ़ा देगी लोन के चलते। आज तक किसी पर्सन ने लोन लिया है उसको फांसी हुआ है, ऐसा कोई मुझे बता दे, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अंदर हौसला लाइए और घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, परिवार को खुश रखिए और डरिए मत, क्योंकि आपने कोई चोरी नहीं किया है, आपने लोन लिया है तो
तो आज नहीं तो कल आपको लोन देना है। तो शायद मैं आपको बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ। अगर हमारी बातें आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।